स्वागत है सभी का नए दिन और नए व्लॉग में। और अभी बस अपना जिम जा रहे हैं। आज वैसे अभी 9:30 हो रहा है और वर्कआउट करना है। वैसे तो फ्राइडे का दिन है और day 3 है, लेग डे है आज। और आज सोना भी जाएंगे, एक दो दिन हो गया है, आज कोशिश करेंगे अगर जा पाएंगे तो सोना ज़रूर जाएंगे। अभी तो यूनिफिट पहुँचते हैं पहले, और उसके बाद अपना आगे दिखाते जाते हैं और यूनिवर्सिटी भी जाते हैं। आज मौसम थोड़ा क्लाउडी हो रहा है, सूरज की चमक थोड़ी अभी तो इतनी नहीं दिख रही है, लेकिन यूनिफिट की झलक दिख चुकी है। तो अभी यहाँ पहुँचते हैं और अंदर चलते हैं। और अंदर आ गए और ऊपर चलते हैं, सामान वामान तो डाल दिया लॉकर में। और अंदर आ गए अपना और वर्कआउट करते हैं और उसके बाद बात करते हैं। तो अभी बस जिम से लौट ही रहे। वैसे आज जोना गए थे तो काफ़ी रिलैक्सिंग लगा, दो दिन बाद कुछ पाँव वाँव की, यार लेग डे था तो थोड़ी मसल में जो थोड़ा बहुत पेन था वो है, लेकिन थोड़ा कम हुआ है जोना के बाद। बस अभी वापस तेजस भी मिला है यहाँ पे, और बस अभी रूम पे लौटते हैं। और रूम पे तो आ गए हैं और अब ज़रा अपना खाना गर्म किया है वो खाते हैं पहले। तो आज वैसे अपनी थोड़ी सी मिर्ची निकाली है और जो घर का अचार था और बाकी हल्का सा, और बाकी अपनी राइस और प्रोटीन। तो बस थोड़ा खाएंगे और उसके बाद फ्रेश वगैरह होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकलेंगे। आज शायद कोई इन्फॉर्मेटिक फेयर है, बट जाके चेक करते हैं पहले कि ऐसा कुछ है या क्या सिस्टम है आज, क्योंकि सुनने में खबर तो आई है। तो यूनिवर्सिटी जाके फिर देखते हैं और दिखाते हैं। तैयार तो हो गए और अपना चलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। अब जाके देखते हैं कि क्या है इन्फॉर्मेटिक का, जो लोग कह रहे हैं कि कुछ कंपनीज आई हैं या कुछ फेयर लगाए। तो वैसे ये जो अपनी बिल्डिंग 42 है यहाँ पे हैं, ये दिख रहे हैं वैसे अंदर कुछ बोर्ड्स, तो यहाँ अंदर जाके देखते हैं। यहाँ पे वैसे कुछ पैम्फलेट्स रखे हुए हैं, अगर थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो यहाँ देखो, यहाँ काफ़ी सारी कंपनीज अभी आई हुई हैं। ये रही, अलग अलग स्टॉल्स लगे हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे अलग अलग पोस्टिंग्स निकली हैं जॉब की, राइट। ये देखो जॉब वॉल इन्फॉर्मेटिक प्रैक्सिस टाक करके जो लिखा है। यहाँ पे जैसे अलग अलग ट्रेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो अलग अलग बैक एंड डेवलपमेंट, जावा बैक एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट, हर एक की जॉब के बारे में लिखा है इस वॉल पे। इधर देखो जैसे यहाँ VR का कुछ दिखा रहे हैं, लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। यहाँ पे पॉपकॉर्न का स्टॉल भी लगा हुआ है वैसे, और ये अपना जॉब बोर्ड है। जैसे कंपनी के बारे में पूछो और अगर कुछ पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेना तो वो ले लो। ये देखो जैसे यहाँ पे भी अलग अलग, अंदर की तरफ भी और बहुत सारी कंपनीज के स्टॉल्स हैं, और अलग अलग जगह बच्चे जाते हैं, पूछ सकते हैं अलग अलग कंपनीज के बारे में, किस जगह क्या पोस्टिंग है, स्टूडेंट जॉब है कि नहीं, ये सब है। हम भी जाके थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये जैसे कुछ बुकलेट्स रखी हुई हैं और यहाँ पे कुछ फॉर्म्स भी हैं जर्मन में, बट हाँ ये विन स्पील के रिगार्डिंग। वैसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता लगी और कुछ मिला भी है, लेकिन अभी ना लेक्चर है अपना एक मिनट में, तो लेक्चर करते हैं फिर अलग से, थोड़ा आगे बाहर जाके बैठेंगे और फिर कुछ चीज़ें बताते हैं और आगे बात करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ गाड़ियाँ पैक हो गई हैं, क्योंकि समय कम्प्लीट हो चुका है जो फेयर लगा था उसका। वापस रूम पर तो आ गए हैं और लेक्चर अपना वहाँ जहाँ पे कंपनीज लगी थी वहाँ पे बैठ के चालू किया, लेकिन आधा देखने के बाद ना, वो लेक्चर वैसे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी है, तो मुझे लगा कि कंपनी फेयर भी है और ये लेक्चर भी है, तो इसकी तो रिकॉर्डिंग तुरंत ही आज होकर अपलोड हो जाएगी, क्योंकि एनीवेज वो देख लेंगे रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे आज लेक्चर में थे नहीं, तो एनीवेज रिकॉर्डिंग भी डलता है। तो फिर मेरे को ये आइडिया है कि कंपनी फेयर भी देख सकते हैं और रिकॉर्डिंग तो देख ही लेंगे लेक्चर की। तो थोड़ा बहुत वो लेक्चर देखा, आज कंप्लीट कर लेंगे उसको। और फिर एक बार सोचा था मैंने कि और कंपनीज़ में जाके देखते हैं, हालांकि धीरे धीरे भीड़ आ गई थी कंपनीज़ पे, लेकिन फिर ये भी था कि उन कंपनीज़ पे ना एनीवेज करियर पोर्टल में जाके ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, और सच बताएं तो अपने पुराने दोस्त, जैसे ही मैंने लेक्चर ख़त्म किया ना ऑनलाइन की, चलो इसकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे, पॉल और तेजस का फ़ोन आया, तो मस्त उनसे बात की कि कंपनीज़ का। तो मुझे एक ट्रिक पता लगा, नाम पता होने चाहिए जो मैंने स्टार्टिंग में देख लिए थे कुछ कुछ। तो जैसे ना ये फॉर एग्जांपल मैं एक्सेंचर में गया, राइट, एक्सेंचर के स्टॉल में, तो वो एक कार्ड टाइप का देते हैं और उसमें अपना मेल आईडी दिया है, राइट, तो इस पे जाके अप्लाई कर दो। वो वहाँ सिर्फ कंपनीज के नाम पता लग जाए ना, तो उनके वहाँ जाके वो यही बताते हैं कि उनके पोर्टल पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर दो, और ये पूछ सकते हो कि भाई जर्मन लैंग्वेज चाहिए, यूजली चाहिए होती है, जैसे एक्सेंचर वाले ने बोला था कि B1 B2 हमें चाहिए, राइट। सेकेंड चीज़, जब वहाँ से सारी डिटेल पता कर लेते हो तो उनके पास जो मैंने दिखाया गुडीज़ या एक जगह पॉपकॉर्न दिखाया वो रखा रहता है, तो ऐसे छोटा ये गुडीज़, ये टी बैग, कॉफ़ी बैग, उन्होंने कहा कि ये जो भी पिक करना है ये ले लो, और उन्होंने ये दे दिया। तो ये एक कंपनी थी, मैं एक ही कंपनी में गया। इससे पहले जो मैंने एक और जॉब
वाला दिखाया था फिर, सेम वैसा ही होता है ऑलमोस्ट। कंपनीज आती हैं, अलग अलग स्टॉल्स में जाओ, जिससे इन्फॉर्मेशन पता लगनी है पता लग जाओ। कुछ कंपनीज जो थी वो रिपीटेड भी आई थी, जो उस फेयर में भी थी। कुछ कंपनीज नहीं थी पर कुछ मेरे को रिपीटेड भी लगी, इसलिए मुझे लगा कि भाई लेक्चर के बाद अगर जा पाए तो ठीक है, लेकिन नाम भी पता है तो अपना ऑनलाइन अगर उनके बारे में देखना हो तो अप्लाई कर देंगे। और हाँ, अगर गुडीज चाहिए तो और जा सकते हो स्टॉल्स में, लेकिन अपना एक गुडी मिल गया बस, ठीक है। और बाकी अपने दोस्तों का फ़ोन आ गया था, उनसे बात की, बढ़िया लगा। और कंपनीज़ के नाम अपन के पास कुछ कुछ नाम तो अपने को मालूम है, तो वो देख लेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन थी, तो ऐसे वहाँ जाओ, इन्फॉर्मेशन पता करो और चीज़ें वो लोग दे देते हैं। जैसे वो पॉपकॉर्न का स्टॉल था, तो कुछ कंपनी में जैसे विंटर में हुआ था, तो इस बार भी ऐसा था कि जाओ तो एक होता ना लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि वहाँ पे पॉपकॉर्न का स्टॉल लगाया, तो जैसे बात की वो कि अच्छा बिहेवियर से, और उसके बाद क्या नाम है उस दे देते कि हाँ जो भी पिक करना अपनी मनमर्जी से। तो यही है, बाकी अब अपन रूम पे आ गए, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी जाना है। तो इन्फॉर्मेशन एग्जीबिशन का तो दिखाया मामला, वैसे तो अलग अलग कंपनीज में जा सकते हो। कुछ कुछ को मैं देख के ऑब्जर्व भी कर रहा था, बात मैंने एक्सेंचर में जाके की थी, बाकी कुछ कंसल्टेशन कंपनीज थी, कुछ अलग अलग कंपनीज थी, और बाकी तो नाम पता है। लेकिन अभी अपना यहाँ पे ओट मील जो है वो खाते हैं और यूनिवर्सिटी जाना है फिर से। और हाँ, लेक्चर और इसका समय, खासकर जो कंपनीज आई थी उनका समय सेम ही टाइम पे था, 3 बजे, वो भी ख़त्म हो गई। जैसे मेरा आधा लेक्चर ख़त्म हुआ, दोस्तों से बात ख़त्म हुई, तो 3 बजे एक कंपनी थी जिसका चालू था, बाकी लोग अपना पैक वैक कर रहे थे। लेकिन मुझे लगा ठीक है यार, नाम नोट है, नाम पता है, अगर अप्लाई करना हो तो अपन ऑनलाइन जाके एनीवेज वो कार्ड देते और उनके वेबसाइट पे जाके करना होता है तो कर लेंगे। मेन चीज़ थी कि नाम पता लग जाए कौन कौन से आए हैं। पर अब चलते हैं आगे यूनिवर्सिटी, और वापस यूनिवर्सिटी तो आ गए, और सामने देखो क्या है। यहाँ पे देखो, ये स्टॉल सेट हो रहा है और स्टेज का मामला सेट हो रहा है, क्योंकि आज अपने डिपार्टमेंट की ना, इन्फॉर्मेटिक डिपार्टमेंट की कुछ पार्टी टाइप की है। और थोड़ा ऊपर जाके देखते हैं और दिखाते हैं। खैर यहाँ पे तो थोड़ा भी स्टेज लगा है, और ऊपर भी देखो थोड़ा मामला सेट हो रहा है। यहाँ बेंचेस वेंचेस, जैसे याद है एक और पार्टी हुई थी जो दिखाई थी मैंने, तो वैसे यहाँ पे स्टेज और स्टॉल्स सेट होंगे थोड़ी देर में, आज ही है लेकिन पार्टी। तो ये लोग थोड़ा मिल बांट के सेटअप वेटअप कर रहे हैं अभी। तो भाई वैसे यूनिवर्सिटी तो आ गए, और देखो अगर सेटअप लग रहा है, शाम को जो पार्टी होती है वो देखते हैं। अभी तो अपने को थोड़ा काम है, और जैसे कहा था कुछ भी करो ना फ़ायदा हो जाता है। जैसे वहाँ आधा लेक्चर किया, तभी अपने पुराने दोस्तों का फ़ोन आ गया, उनसे बात की, हालांकि सेम टाइम पे कंपनी भी ओवरलैप की। लेकिन अब देखो यहाँ एक दोस्त से मुझे यहाँ पैम्फलेट भी मिल गया, और कुछ नाम मैं जो वीडियो दिखाई है जो देख रहे हैं वो भी उठा सकते हैं, और मैं भी उन कंपनीज़ के नाम देख के जब करना होगा तो उनके करियर पोर्टल पे जाके अप्लाई कर देंगे। और ऐसे देखो एक और का मिल गया पैम्फलेट, तो यही है। और कंपनीज़ देखनी हो, गुडीज़ चाहिए हो तो जा सकते हो भाई बस। लेकिन अब हम अपना काम करते हैं और फिर आगे जो ये सीन सेट होता है तो वो दिखाते हैं। तो भाई थोड़ा काम तो हो गया है, और बस अब बिल्डिंग 40 के बाहर आते हैं, और लगता है थोड़ा माहौल भी चालू हो गया है, जो बैंड वैंड लगना था, स्टॉल्स में भी कुछ खाना होना चालू हो गया। बाहर चलते हैं और थोड़ा क्लिपिंग विपिंग दिखाते हैं। ये देखो भाई यहाँ पे थोड़े स्टॉल्स तो चालू हो गए हैं। ये मुंसिर क्या लाया, वीगन क्या है ये? वीगन वीगन प्रोट वेगेटारे। हम भी ज़रा यहाँ लाइन में लगे हैं, कुछ आगे देखते हैं। तो जैसे यहाँ मुंसिर ने तो खा लिया, और यहाँ काफ़ी लोग लाइन में लगे हैं, अपना यहाँ पे मिल रहा है अलग अलग आइटम्स, ब्राटवर्स्ट और क्रिप्स वगैरह, तो काफ़ी जनता है वैसे। बाकी आगे जाके बैठ के बात करते हैं। तो अपना ब्राटवर्स्ट लेके मस्त स्टेज के पास तो बैठ गए, और देखा जाए तो यहाँ काफ़ी जनता दिख रही होगी ऊपर, जहाँ से अभी हम आए, जो हमने दूसरे एंगल से दिखाया था। तो भाई अपना बस यहीं एम्फी थिएटर में सोफे में बैठे हैं, और ये है, ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी, पीछे मस्त पार्टी हो रही है, जो कुछ प्रोफेसर्स हैं ना वो स्टॉल्स में हैं, और वीगन सॉसेजेस भी मिल रहे हैं, और अपना नॉर्मल जो सॉसेज होता है वो तो मिल ही रहा है। तो मुंशी ने वीगन सॉसेज ट्राई किया, मैंने नॉर्मल ब्राटवुर्स्ट ट्राई किया, तो तगड़ा था, अच्छा था। और हमारी जो डेटा विजुलाइजेशन की जो प्रोफेसर है वो दे रही थी। तो यहाँ पे जितने भी इन्फॉर्मेटिक की इवेंट है, तो जितने भी इन्फॉर्मेटिक के प्रोफेसर्स हैं लोग हैं। और एक नई चीज़ और पता लगी कि आज ना ग्रेजुएशन डे भी है, जैसे पिछले साल कोरोना के टाइम नहीं हुआ था, तो कई लोगों का आज ग्रेजुएशन डे था, तो उनका भी पार्टी इसमें मर्ज है, तो वो लोग उनका ग्रेजुएशन सेरेमनी हुआ, उनको जो भी मिला विला, और वो यहाँ भी आ गए हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ सजे सजे मस्त अपना कोट सूट पहन के आए, तो बढ़िया है, वाइब इन्जॉय करते हैं। और अब गाना वाना भी शुरू होने वाला है, तो वो सुनते हैं और आगे दिखाते हैं। मुन सिर जा रहा है पर हम तो आगे इन्जॉय करेंगे। भाई यहाँ पे क्रिप्स भी मिल रहे हैं, तो बढ़िया। ये देखो, और म्यूजिक परफॉर्मेंस
अगली सुनेंगे। अच्छा गा रहे हैं काफ़ी। तो ये देखो भाई, यहाँ पे ये बस यहीं पे स्टॉल्स जहाँ पे मैं बता रहा था कि कुछ प्रोफेसर्स यहाँ पे वीगन और ब्राटवर्स दोनों मिलता है, मतलब नॉन वेज भी, और बस यहाँ पे लोग लगे हैं, बातें चल रही हैं और बढ़िया पार्टी चल रही है। तो भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रोग्राम का समापन तो हो गया और अब अपन चलते हैं, बस अब वापस रूम पे चलते हैं। आई होप ये ब्लॉग देख के मज़ा आया होगा और इन्फॉर्मेशन भी पता लगी होगी। जो परफॉर्मेंस हुई है वो अलग सेपरेट वीडियो डालूंगा उसकी, इसीलिए मुझे ये आइडिया थोड़ा बाद में आया। तो मैंने सोचा कि जो अच्छा रहेगा कि जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके लिए अलग वीडियो बनाई जाए, और अपना लुक भी अलग है। क्यों अलग है वो एक तो वीडियो में पता लग जाएगा। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही, बाकी तो बताइए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं। बाय बाय।